भाई केकड़ा यहाँ पे, केकड़ा को खाते हैं यहाँ पे भाई, ये सब तो कोई खाता ही नहीं, मैं तो कभी खा नहीं पाऊंगा सब चीजें। मुर्गे की चिकन, मुर्गे की टांग, टांग तो गई, टांग नहीं है क्या कहते हैं जो जो से चलते हैं, जी ये वाले पास खाते हैं। वेलकम टू थाईलैंड, वेलकम टू थाईलैंड। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ बैंकॉक में ही। पिछली वीडियो में आपने खाउसन रोड देखा था और आज मैं जा रहा हूँ एक्चुअली चेंग माई, बट मेरे पास अभी 3-4 घंटे का समय है। आपको थोड़ा और मैं कुछ बैंकॉक में दिखा पाऊँ अगर दिखा सकता हूँ तो। वैसे मैं अपने हॉस्टल में था, ये से कहते हैं द यार्ड हॉस्टल। नास्तिया, हाउ डू यू लाइक दिस हॉस्टल? Very good vibe. Actually भाई मैं बिल्कुल recommend करूँगा अगर कभी आप यहाँ पे आ रहे हो द यार्ड हॉस्टल। तो पैसे नहीं दे रहे मुझे बोलने के लिए, क्योंकि दिल से आ रहा है कि मतलब काफ़ी अच्छा हॉस्टल था। शाम के 4 बजे मैं चेकआउट कर रहा हूँ, किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि यहाँ पे इतने गेस्ट नहीं आ रहे। अगर गेस्ट आएंगे तो पक्का भाई उनको बोलना पड़ेगा, लेकिन अभी गेस्ट नहीं आ रहे तो बोला आप जितना टाइम रह सके रहने रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, एकदम यू नो एकदम ग्रीनरी से भरा हॉस्टल है। ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हर जगह ग्रीन है। कुछ अच्छे गेस्ट हैं यहाँ पे, काइंड ऑफ रिसेप्शन है। एंड एक्चुअली यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन नहीं है। आपको पता है कि अभी मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में टूरिस्ट उतने आते नहीं हैं। तो जनरली टूरिस्ट सीजन स्टार्ट होता है यहाँ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक चलता है टूरिस्ट सीजन बहुत। और दिसंबर में तो कुछ ज़्यादा ही हाई टूरिज्म हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि मैं था यहाँ पर मुझे पता है। तो अभी चलो, अभी मैं जा रहा हूँ एक कुछ इंडियन रेस्टोरेंट खा लूँ, क्योंकि 2 दिनों से मैं थाई खाना खा रहा था। आज मैं कुछ इंडियन खाऊंगा एंड या उसके बाद थोड़ा थाईलैंड को घूमेंगे, थाईलैंड बैंकॉक को घूमेंगे। और रात की आज ट्रेन हमने बुक की है चेंग माई के लिए, तो हम लोग आज चेंग माई निकल जाएंगे रात को। आपको भी दिखाऊंगा कि यहाँ की ट्रेन कैसी है और कैसे बुक कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था बट उतना भी नहीं था, ईजी ही था। तो भाई साहब हमारा खाना आ चुका है, ये है चिकन बिरयानी, आलू गोभी एंड रायता और चाय। Are you ready for Indian food today again? I'm tired. Stop, please. Stop, please. You're tired of Indian food? Tha. तो भाई हॉस्टल से निकल के हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं काइंड ऑफ बाजार के पास। लोकल बाजार है, हमारे होटल के आसपास ही था, तो चलो चलते हैं क्योंकि हमें अब ट्रेन मिलेगी रात के 9 बजे की। ट्रेन एक्चुअली 7:50 की ट्रेन है। कुछ लोकल एरिया से पास होने, कुछ लोकल रेस्टोरेंट है यहाँ पर, कुछ ऐसा दिखता है। और ट्रैफिक है भाई, पता नहीं कैसी आपको आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी है यहाँ पर, और मेरे हिसाब से बारिश भी जल्द होने वाली क्योंकि आज का दिन थोड़ा बनवाना है। तो ये बात सही है, यहाँ पर लोग जनरली वाइट लोगों को टारगेट करते हैं, मतलब टारगेट मतलब बिजनेस के बारे में। वाट 50 baht 1 hour, क्या बोलना चाह रहे थे? 50 baht 1 hour, समझ नहीं आया। मशीन वगैरह यहाँ पर है, हर जगह मिल जाएगा। नो नो थैंक यू। तो भाई सब पैसे दे रहे थे या मांग रहे थे पता नहीं। लोकल शॉप्स 120 baht का है भाई, थोड़ा महंगा है। तो 150 भाई लोकल शॉप है। ये लोग वियतनामीज फूड वगैरह यहाँ पे बड़ा मुझे अच्छा लगता है। एशिया सबसे अच्छी बात एशिया में क्या है, गर्मी ना, गर्मी ज़्यादा है ना ठंड ज़्यादा है। इंडिया में खास करके कभी गर्मी ज़्यादा है चलो ठीक है, लेकिन थाईलैंड में भी टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है एंड क्लाउडी मौसम है, तो ना गर्मी लग रही है ना ठंडी लग रही है, क्योंकि मौसम अच्छा होने के कारण मैं एकदम हाफ पैंट में घूम रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एकदम हाफ टी शर्ट में गर्मी लग नहीं लगी ना ही ठंडी लग रही, एकदम परफेक्ट वेदर है। लोकल इधर इधर जाना है क्या? हम लोग को एक लोकल मार्केट की तरफ जाना है भाई, कुछ यहाँ पे होलसेलिंग काम चल रही है। मुझे लगा कि टूरिस्टी स्टॉप जाने से बेहतर है कि मैं थोड़े लोकल वगैरह एरिया जाऊँ, जहाँ पे थोड़े लोकल लोगों से बातें तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे थाई आती नहीं, बट लोकल लोगों से थोड़ा देखूँगा कि लोकल लोग यहाँ की ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्योंकि बैंकॉक तो फेमस है किसी और चीज़ों के लिए, यहाँ पे टूरिस्ट का यहाँ पे एकदम जमावड़ा है बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़े लोकल एरिया को भी देख लिया जाए। यहाँ पे इंदिरा स्क्वायर पे हम लोग गई हैं, एकदम काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ये काइंड ऑफ मुझे इंडिया का तरह लगता ही है, हालांकि थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है, बट ऐसा लगता नहीं कि कुछ कहीं मैं अलग से कंट्री में आ गया हूँ।
लगता है ये तो, चलो इसको तो मैं जानता पहचानता हूँ, चोटी वाले बैंकॉक बताया। चलो हिंदी में लिख रखा है लोगों ने चोटी वाले को, देख लो चोटी वाले हिंदी में लिख रखा है, कोई नहीं। चलो अब चलते हैं जल्दी से लोकल रेस्टोरेंट, चल चल के लोकल रेस्टोरेंट बोला, लोकल मार्केट चलते हैं। और एक बात और, यहाँ पे एक ओमेन टैक्सी चलती है, मतलब लड़कियों का लिए टैक्सी है और उसको लड़कियाँ चलाती है, तो लड़की उसमें बैठ सकती है। जब आप यहाँ पे ग्रैब ऐप के नाम ऐप है, ग्रैब में आप टैक्सी बुक कर सकते हो, और ग्रैब में जब टैक्सी बुक करोगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा। कुछ लोकल लोग यहाँ पर हैं, आज तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, बट मैं कल हो सके बाल कटवाऊँगा अपना, अगर टाइम मिल गया तो। कि बाल बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े नहीं बट ठीक है, बट लेकिन थोड़ा कटवा लेता हूँ, सस्ता है यहाँ पे, कि अगर वापस से पता नहीं अगली कंट्री कहाँ रहेगी, थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो भाई लोकल मार्केट हम लोग पहुँच गए हैं, जहाँ पर हमें आना था लोकल मार्केट पहुँच चुके हैं। अलग अलग सस्ते कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, देखो भाई 50-50 बात में मिल जाएगा कपड़े आपको, 100-100 रुपये का। बहुत सारे इंडियन यहाँ पे काम कर रहे हैं, थोड़ा आगे से बढ़ लेता हूँ। ये मार्केट दिख रहा है, सेल 250 का सेल है, ये थोड़ा महंगा है। और भाई यहाँ पे लॉटरी टिकट बहुत फेमस है। 200 baht लॉटरी टिकट या भाई लॉटरी टिकट है यहाँ पे। No, आई टूरिस्ट टुमारो गो। ओके थैंक यू कपन खाप। बारिश स्टार्ट हो गई भाई, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था लॉटरी कुछ ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। एंड क्योंकि मैंने यहाँ पे हर जगह देखा, लोगों को देखा लॉटरी खरीदते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, लॉटरी खरीदते हैं। पिछली बार भी जब आया था तो वहाँ दो महीने रहा था, जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग लॉटरी वगैरह खरीद रहे थे। क्राउड मार्केट ऐसा दिखता है भाई, सेल 100 baht में पैंट मिल रहे हैं, 200 रुपये हो गए। मैंने लोकल मार्केट है यहाँ पे, आप ज़्यादा टूरिस्ट को देखोगे नहीं, यहाँ पे लोकल लोग को ही देखोगे। नास्तिया, दिस इज लोकल मार्केट, हियर मोस्टली लोकल पीपल कम। मार्केट जस्ट मार्केट। नहीं दवाई आई थिंक थोड़ा गूगल मैप पे गलत दिखा रहा है। भाई इस लोकल मार्केट में कुछ लोग बेच भी रहे हैं, सस्ता ही है, 40 baht का, 50 baht का, 20 baht का, 40-50, मतलब सस्ता है पूरा एकदम, और पूरा लोकल मार्केट है एकदम। थाई फूड जैसी महक भी आ रही है यहाँ पर, और लोकल मोस्टली लोग भी जो थाई लोग ही हैं। ये देखो भाई 200 रुपये का है ये एक पैंट, सस्ता ही लग रहा है। नास्तिया, दिस मार्केट इज चीप या 200-300 रुपये का सब कुछ चीज़ें हैं। मोर एक्सपेंसिव या आई थिंक मार्केट खत्म हो गया क्या अभी? अरे हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया था जब पिछली बार आया था दादा। मैंगो ऑरेंज, मैंगो नो मैंगो, ऑरेंज वाली नो मैंगो, वन ऑरेंज नो मैंगो। ओके हाउ मच? 20। भाई चलते चलते ये पता नहीं कौन से मार्केट में आ गया हूँ, बस चल ही रहा हूँ। मास्क मिल रहा है, 10 मास्क। एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि सारे लोग यहाँ पे मास्क पहनते हैं, पता नहीं यहाँ पे कोविड की कुछ ज़्यादा सीन है या तो फिर रेगुलेशन हैं, रूल ही होगा मोस्टली भाई। क्या ले रही है? खाई नहीं है लगता है ये। क्या है ये भाई? समझ नहीं आ रहा क्या ये, समझ में आ रहा क्या आपको? आप कमेंट सेक्शन बताएं कि क्या है ये। What is this? Anti cuff fill. What is this? Like when you don't cuff. Yeah, I understand. But touch. What is this? Don't know. Some medicine. Something like this. Yeah. Okay, hold it. वरना weird सा है। ये market है भाई, देख लो। बस दिखता है ये, यहाँ पे लोग mask लगाते हैं। आज face mask वो वाला mask नहीं। भाई यहाँ पे कुछ आम मिल रहे थे, इधर मैं कुछ आम खरीद लेता हूँ। पका हुआ आम है, थोड़ा कच्चा आम है, ये गावा है। दिस इज गुड मैंगो। यहाँ पे ये लड़ी वगैरह बेच रही थी, तुम खुद ऐसे कुछ खरीद लो। तो भाई मैं चलते चलते इस मार्केट से जा रहा था,
ये गजब का लगाया भाई साहब ने, बाइक में उसने लगा दिया, तुम सामान बेच रहे हैं इसमें। ये देखो ये एक टेंपल है, गणेश भगवान की टेंपल है भाई यहाँ पे, और यहाँ पे चाइनीज टाइप का लाल रखा है इन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल लग रहा है ये। Hindu. Yeah, it's a Hindu temple. Venice. Yes, I mean it's a. What is that? Yes, Hindu. Yes, the shop. Какой? Buddhist. Buddhism, yeah. Yeah. But here, in Thailand, I told you in the last video too that Hindu God ko thoda mante hain yahan pe. Matlab Shankar, Lord Krishna ho gaya, Brahma ji ho gaye. साथ ही साथ गणेश जी तो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, आपको हर जगह इनकी टेंपल और मूर्ति देखने को मिल जाएगी। छोटे से स्ट्रीट में ऐसे घूम रहा हूँ यहाँ पे, साथ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी उधर तरफ देखोगे आप तो। और शाम के 6 बजने वाले हैं, टेम्परेचर 27 हो चुका है, थोड़ा टेम्परेचर घट चुका है, मौसम शानदार है। 27 राइट नाउ, इसको बिलीव नहीं 27 क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है इसके लिए। अभी भी पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, 15 बात में आप भेज सकते हो यहाँ से पोस्ट कार्ड वगैरह शायद, अगर मैं गलत नहीं हो तो। भाई इस मार्केट का ये फूड सेक्शन है, यहाँ पे सारे खाने मिल जाएंगे आपको अगर खाना है तो, लोकल खाने। ये देख लो मछलियाँ वगैरह, मछली एकदम फ्राइड मछली और चावल सस्ते में मिल जाएगा, 15-20-30 बात में मिल जाता है खाना यहाँ पर। अगर इस तरह के लोकल मार्केट में अगर खा के खाते हो तो 15-20-30 बात में मिल जाएगा। मुस्लिम फूड मतलब हलाल फूड भी इनके पास, मुस्लिम हलाल फूड, हलाल फूड है। तो मैंने जैसे बताया कि सब मार्केट में आपको सस्ते में खाना आराम से मिल जाएगा, मतलब आपको उतने खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। अगर बजट में चल रहे हो लोकल मार्केट आओ, ठीक ठाक खाना मिल जाता है, काइंड ऑफ हाइजीन भी ठीक ठाक ही रहता है और सस्ते में हो जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जूस वगैरह पीना है, जूस के लिए इसे बेच रहे हैं। अरे ये भाई साहब, ये मैं काफ़ी खाता था मलेशिया में, बड़ा मस्त लगता था मेरे को मलेशिया में खाने में। ये पका हुआ अभी नहीं होगा बट आई रिमेंबर इस टाइप ऑफ लीची, बट आई फॉरगेट आई ईट अ लॉट दिस इन मलेशिया टू, वेरी गुड। या 50 baht 1 kilo 50 baht ½ kilo 75 baht ओके हाफ किलो या व्हाट इज नेम दिस व्हाट इज ngọ हां थाईलैंड से पिक ngọ इन मलेशिया आई डोंट नो मलेशिया ओके भाई मलेशिया में कुछ खाते हैं याद नहीं आ रहा मुझे, मुझे मलेशिया में काफ़ी खाया था जब मैं एक जगह वॉलंटियरिंग कर रहा था तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा खाया था ये वाली चीज़ें। भाई ये डूरियन है और बड़ा ही गंदा स्मेल होता है इसका यार, ये भी स्मेल कर रही है ये, लेकिन मीठा ही लगता है यहाँ पे। ये मैंने काफ़ी ट्राई किया था मलेशिया में क्योंकि मोस्टली ये मलेशिया से आता है, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्राई करना है आपको मूसा किंग कहते हैं इसको, मूसा किंग वो आपको ट्राई करना ज़रूर बनता है भाई, बहुत ही गंदा महकता है, उल्टी भी हो सकती है खाते खाते, लेकिन जब आप खाओगे तो टेस्टी लगेगा चले, बट महकता है तो आपको नाक बंद कर खाना पड़ेगा। ये वो लोग खाते हैं यहाँ पे, मैं ना मछली महकता ज़्यादा मुझे लगता है, अगर आपको मछली का टेस्ट पसंद है तो आप खा सकते हो। लोकल मार्केट और देख रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग तरीके की आपको चीज़ें मिल जाएंगी खाने को। देखो भाई साहब मुर्गे हैं यहाँ पे, पूरा मुर्गा बेच रहे हैं। बड़ा मस्त लग रहा है से। मुर्गे अलग अलग तरह के मीट यहाँ पे मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में मीट लोग काफी खाते हैं एंड बहुत फेमस है यहाँ पर, लेकिन ज़्यादा लोगों को मैंने चिकन खाते हुए देखा है, चिकन लोग यहाँ का फेवरेट है साउथ ईस्ट एशिया के लोगों का। फार्मेसी भाई केकड़ा यहाँ पे, केकड़ा को खाते हैं यहाँ पे भाई, ये सब तो कोई खाता ही नहीं, मैं तो कभी खा नहीं पाऊंगा सब चीज़ें। या मंचा नॉट रिएक्शन चलो ठीक है खिल गया भाई। यहाँ पे मतलब बड़ी अजीब अजीब सी फूड खाते हैं,
हालांकि कुछ पार्ट इंडिया के पार्ट के लिए वो भी अजीब नहीं है, बट मेरे को सी फूड में सिर्फ एक अच्छा लगता है वह मछली। मछली के अलावा मुझे कुछ से कुछ खाया नहीं आता, अलग सी फूड ट्राई नहीं करता। नासी, यू लाइक सी फूड? यस आई लाइक। व्हाट इज योर फेवरेट सी फूड? आई थिंक प्रॉन्स एंड हाउ टू से सैल्मन फिश। ओके, मछलियाँ अच्छा, इसको सैल्मन मछली जो नहीं होती कंसात का बहुत बहुत ज़्यादा मिलता था। ये लोग गर्मियाँ लग रही है। सवादी खा। और यहाँ पे भाई थाई मसाज जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे भाई, और सस्ता भी बहुत है, अगर कंपेयर करें तो बहुत सारी कंट्री से सस्ता बहुत है। देख लो ये रेट है। आप अगर यहाँ पे रियल में अगर मसाज करवाना है तो एक जेन्युइन प्लेस जाना, कमेंट वगैरह पढ़ के जाना। और यहाँ पे ओयो भी मिल रहा है भाई। ओयो थाईलैंड में भी आ गया, मैंने ओयो को चाइना में देखा था, यहाँ पर ओयो आ गया है। आस्था, दिस इज ओयो, दिस इज वेरी इंडियन। आई टोल्ड यू दैट मोस्टली लाइक द फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड टू गो इन ओयो। भाई मैं दिल्ली में ओयो देख रहा था मोस्टली, लाइक जब मैंने फॉरेनर्स डाला फिल्टर किया तो 3-4 ओयो आ रहा था, मतलब ठीक ठाक रहा, सस्ते में प्राइस नहीं, ठीक ठाक होटल लगाया मुझे ओयो। और भाई यहाँ देखो टांग खाते हैं, मुर्गे की टांग तो गई, टांग नहीं है, क्या कहते हैं जो जो से चलते हैं, सीए वाले पास खाते हैं। बट भाई मुझे पता नहीं, बिल्कुल अच्छा लगता है वाला पार्ट। हम लोग फन सो ही हुआ। वेलकम टू थाईलैंड, वेलकम टू थाईलैंड, थैंक यू, हेलो लाइक, वेलकम टू थाईलैंड, थैंक यू। बहुत ही भाई, और डोरियन मिल रहा है यहाँ पे 60 रुपये किलो का। ये लग रहा है मैं कौन सी एरिया में आ गया, वही चलते 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 बहुत ही लोकल एरिया में आ गया हूँ। चलो अब घर घर की तरफ रवानगी बढ़नी चाहिए वापस से। भाई साहब मैं यहाँ से चल रहा था, चलते चलते मैं रेलवे ट्रैक पे आ गया। यह रेलवे ट्रैक, ट्रेन देखो भाई आती जाती भी है, ट्रैक तो पुराना लग रहा मुझे। और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाने के लिए लोगों के घरे हैं, बड़ा अजीब सा माहौल है। दिस इज हेयर, या लोगों ने अपना बाल काट के यहाँ पे फेंक दिया, पता नहीं क्यों। मैंने हालांकि सुना है यहाँ पर, पता नहीं जा नहीं पाऊँगा इस बार शायद, यहाँ पे एक थोड़ा बैंकॉक से दूर है एक बहुत बड़ा मार्केट है, और वहाँ से ट्रेन पास होती है, रोज़ ट्रेन पास होती है। जब ट्रेन जब आती है तो लोग अपनी जगहें छोड़ देते हैं और फिर ट्रेन चले जाती है, फिर लोग वापस से बैठना शुरू करते हैं। इनका तो घर भाई एकदम ट्रेन की पटरी पर ही है, लोग इसको ट्रेन के पटरी के बीच बैठे हुए हैं। अजब सा माहौल है यहाँ पे, कुछ दुकानें हैं छोटी मोटी, लोगों के घरे भी यहीं पर हैं आसपास, लोग घरे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो ट्रेन भाई सबको बड़ा ढंग से चलाना पड़ता होगा गाड़ियाँ, वरना पता नहीं। आसिया भी केयरफुल। ये है भाई माहौल यहाँ पे, और उसके ऊपर मेट्रो है भाई, मतलब बीचों बीच निकाल दिया इन लोगों ने, दो बिल्डिंग के बीचों बीच लोकल लोगों घर घर के बीचों बीच निकाल दिया इन्होंने ट्रेन की ये पटरी, ट्रेन की ये लाइन।